तो सीधे लिए चलते हैं जयपुर, अजय माकन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कार्यक्रम है जिसमें कोरोना वॉरियर्स हमारे 2500 से भी ज्यादा जो राजस्थान प्रदेश में बनाए गए हैं, ये घर घर जाकर के लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूछेंगे, कुशल क्षेम पूछेंगे और इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा करी और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, कल से पूरे राजस्थान के अंदर महंगाई के खिलाफ एक कार्यक्रम शुरू करा जा रहा है और इसके लिए महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, इंटक और सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके और कांग्रेस के साथी मिल करके पूरे राजस्थान प्रदेश भर में कार्यक्रम करेंगे और ये 7 तारीख से कल से शुरू हो रहा है। इसके बारे में कल कैसे इसकी शुरुआत करी जाए और कहां कहां पे किया जाए इसकी हम लोगों ने चर्चा करी, तो बहुत ही अच्छी बैठक रही, बड़े अच्छे सुझाव सब लोगों से मिले और सब लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी की योजना जो राजस्थान के अंदर कोरोना पीड़ित लोगों की योजना है उसकी सब लोगों ने बहुत तारीफ करी कि किस प्रकार से पूरे देश भर में कहीं पर भी इतनी मदद कोरोना पीड़ितों के लिए नहीं करी जा रही जो राजस्थान के अंदर करी जा रही, चाहे यहाँ पर जो बच्चे अनाथ हुए, चाहे हमारी जो बहनें माताएं बहनें विधवा हुई, चाहे जो और पीड़ित हों, सरकारी कर्मचारी हों, वो सभी लोगों के लिए इसमें पर्याप्त व्यवस्था है और उसकी मुख्यमंत्री जी की जो योजना है ये इसकी स्कीम की कॉपी भी सभी साथियों को दी गई ताकि इसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कैसे बेनिफिट दिया जा सके और इसको हम साथ में जोड़ रहे हैं जो हमारे साथी आउटरीच कार्यक्रम के अंदर हमारे कोरोना वॉरियर्स घर घर जा रहे हैं तो उसमें जो लोग इस स्कीम से के लाभ से वंचित नहीं हो रहे हैं उनको कैसे हम लोग इस स्कीम के से लाभान्वित करवा सके इसके बारे में वहाँ पे चर्चा हुई और सब लोगों ने स्कीम की तारीफ करी। साथ ही साथ में सभी लोगों ने मिलकर के इस बात की भी निंदा करी कि राजस्थान के साथ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस बात को की जानकारी दी कि केवल 70,000 वैक्सीन राजस्थान के अंदर पड़ी हैं और एक दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी तो आगे कैसे वैक्सीनेशन होगी। आप सब लोगों को मालूम है कि लगभग 8-9 दिन पहले राजस्थान ने 10.5 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर किया जो रिकॉर्ड था, तो जब राजस्थान की कैपेसिटी है 10.5 लाख वैक्सीन की, राजस्थान ने के अंदर लोग वैक्सीन करवाना चाहते हैं, तब जो है केंद्र सरकार यहाँ पर सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। यहाँ पे आज हमारे कई पदाधिकारियों ने इस बात को भी कहा कि राजस्थान के जो नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, तो भारत की सरकार राजस्थान के नागरिकों के साथ में सौतेला व्यवहार कैसे कर सकती है, भारत की सरकार ये कैसे इस चीज़ को अलग अलग कर सकती है कि कोई भाजपा शासित राज्य का नागरिक है तो कोई कांग्रेस शासित राज्य का नागरिक है, ये किस तरीके से भारत सरकार इसको किस तरीके से अलग अलग कर सकती है। तो इस बात के लिए भी तीव्र निंदा बहुत सारे लोगों ने किया कि केंद्र सरकार किस प्रकार से सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ में वैक्सीनेशन के लिए कर रही है और हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे उसके अंदर हम पैम्फलेट्स के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पहले ऑक्सीजन में, किस प्रकार से उससे पहले रेमडेसिविर के में और अब वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसको पूरे आंकड़े के साथ में हम पैम्फलेट बना करके हमारे आउटरीच कार्यक्रम का इसका हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ में आउटरीच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के योजना जो कोविड के प्रभावित लोगों की है उसको हम लोग डालेंगे और तीसरा हम लोगों को इस पैम्फलेट के अंदर हम उत्साहित करेंगे, हम प्रेरित करेंगे कि लोग वैक्सीनेशन कराएं और अलग अलग भ्रांतियां जो वैक्सीनेशन को लेकर के हैं उन भ्रांतियों के अंदर नहीं उसके अंदर फंसें। तो ये एक 3 चीज़ें इस पैम्फलेट के अंदर डाली जाएंगी और पैम्फलेट को बनाने के लिए कमेटी का गठन भी अध्यक्ष जी ने किया है और इन सब चीज़ों के ऊपर आंकड़ों के साथ में पैम्फलेट्स बनाए जाएंगे, पैम्फलेट का गठन बनाया जाएगा जो सभी राजस्थान में सभी जगह के ऊपर हमारे आउटरीच कैंपेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सर, मुख्यमंत्री से शाम को मीटिंग है आपकी, किन मुद्दों पे बातचीत होगी, मंत्रिमंडल विस्तार, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पेंडिंग चल रहे हैं सर? देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जी से आज शाम को मुलाकात हुई है और आज की मीटिंग के अंदर जो हम लोगों ने जो चर्चा करी है उसकी बात हम लोग मुख्यमंत्री जी से करेंगे। ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर कैबिनेट के अंदर रिक्त पद हैं, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, राजस्थान के अंदर हमारे
जिला अध्यक्षों की भी और ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्तियाँ होनी है, तो इन सब की भी जाहिर बात है कि मुलाकात है, तो उन सब की भी चर्चा होगी और हमारी कोशिश है कि सभी साथियों को साथ में लेकर के इसके ऊपर हम जल्द से जल्द हम लोग आप लोगों को बताएं। और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हम सब लोगों से बात कर रहे हैं और जल्द इसका नतीजा आएगा। जितनी बार मुझसे पूछा है, काश उतनी बार भाजपा से पूछते कि कल जाकर के अब उनकी मंत्रिमंडल क्यों विस्तार हो रहा है, इतने सालों से बेचारों को, कई लोगों को कांग्रेस से लेकर के वहां पर लेकर के सूखने डाला हुआ था, अभी तक के तो किया नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये सब की सब चीज़ों का अपना अपना समय होता है और वो समय के अनुसार निर्णय होते हैं। जल्दी होंगे, आपके भी आएंगे, अच्छे दिन उनके भी आएंगे। विधायक सरकार के साथ, विधायक किसके साथ हैं? आप जो है कांग्रेस ही आपको नजर आती है, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नजर नहीं आती, कर्नाटक के अंदर भाजपा नजर नहीं आती, त्रिपुरा में भाजपा नजर नहीं आती, वेस्ट बंगाल में भाजपा नजर नहीं आती। जो 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 है हर समय के ऊपर, हर राज्य के अंदर, हर पार्टी के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, परिवार है। कब ऐसा होता है, कब ऐसा हुआ है कि जबकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी राज्य के अंदर आपस के अंदर जो है अलग अलग सोच ना हो? मुझे एक राज्य बता दीजिए और एक पार्टी बता दीजिए, क्या भाजपा के अंदर नहीं है? तो हम लोग सबके सब लोग मिल करके हमारी कोशिश है कि सब लोगों की रजामंदी करके अच्छा निर्णय हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछले एक डेढ़ वर्ष में जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से राजस्थान का एक सफल उदाहरण पूरे देश में दिया है, पूरे दुनिया के अंदर राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना को जिस तरीके से टैकल किया है, वो अपने आप में एक मिसाल बना है। और हमें इस बात का गर्व है, एज अ कांग्रेसमैन गर्व है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। समाधान हो जाएगा।